हेलो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन अप टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वी ऑलरेडी स्टडीड. सो नाउ टॉपिक स्टार्ट विथ प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन. So the first method for the preparation of alkene, that is partial reduction of alkyne. Yes, last lecture में मैंने आपको बताया था alkene के आगे alkyne है और alkyne में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो अल्काइन से आप अल्कीन भी बना सकते हो और फुल रिडक्शन हो गया, बहुत ज्यादा रिडक्शन हो गया, इट मीन्स तो अल्केन भी बन सकता है. इट मीन्स हियर ऑपरेटिंग कंडीशन और यू कैन से पैरामीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो सबसे पहले सीक्वेंस में हम जाते हैं. अल्काइन जो है उसका फर्स्ट मेंबर कौन है, दैट इज इथाइन. ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन, दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग हाइड्रोजन. हाइड्रोजन दैट इज गैस, वी नो, और गैस के पास खुद का सरफेस नहीं है, तो एक्चुअली एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ लिया है. तो यहाँ पे एज अ एड्सॉर्बेंट दैट इज चारकोल यहाँ पे यूज होता है, चारकोल दैट इज C. और ये जो चारकोल है उसमें पैलेडियम मेटल मिक्स की होती है. इट मीन्स सच टाइप ऑफ चारकोल दैट इज अ पैलेडाइज्ड चारकोल, ऐसे बोलते हैं, इट मीन्स PD. और ये जो पर्टिकुलर मिक्सचर बनता है दैट इज अ लाइट कैटलिस्ट. ओके, एंड दिस कैटलिस्ट इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट. ये आपको पता होना चाहिए. और इसकी जो एक्टिविटी है उसको 50% रिड्यूस कर दिया है by adding some poisonous substance like sulfur and quinoline. तो ये भी इसमें ऐड करते हैं और इससे हाइड्रोजन जो ऐड होगा इथाइन में वो पार्शियल ऐड होगा, पूरा नहीं, मतलब कंट्रोल्ड, क्योंकि उसका रीजन है ज्यादा ऐड हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहां पे दो हाइड्रोजन और यहां पे दो हाइड्रोजन, मतलब ये हो जाएगा आपका इथेन. और आपको इथाइन से इथेन में नहीं आना है, इथाइन से इथीन तक ही आना है. सो यू हैव टू ऐड हाइड्रोजन इन कैलकुलेटेड अमाउंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहां पे जो रिडक्शन होगा दैट इज अ पार्शियल रिडक्शन एंड अल्टीमेटली वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथेन. Clear? Now, next number that is propyne. Propyne में कितने कार्बन होते हैं, तीन. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH3 सिंगल एक ही कार्बन आएगा, यहाँ पे CH प्लस H2 सेम कंडीशन, सो वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज propyne और pro1-ene. नेक्स्ट नंबर दैट इज ब्यूटाइन. अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ब्यूटाइन के दो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ब्यूट 1-ene एंड ब्यूट 2-ene. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूट 1-ene. तो ब्यूटाइन जो है इसमें मैंने चार कार्बन लिए, यहां पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड किया है, यहाँ पे CH3 CH2 देन कार्बन एंड हियर CH एंड दिस इज याद है ना UPSC, हाँ, दिस इज PC व्हिच कंटेन फंक्शनल ग्रुप सेकंड ग्रुप लेबलिंग 1 2 3 4
four carbon length, but that is our root. Yeah. Then primary suffix that is ion after one but one ion. Okay. Now if you add hydrogen, same operating condition, then we have one product that is CH3, CH2, CH double bond, CH2, and that is but one ion. Okay. और हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ लिया है. अब उसकी भी कुछ कंडीशन थी मैंने आपको बता दी थी, जैसे डबल बॉन्ड होना चाहिए और ये दोनों कार्बन के पास जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए. इट मीन्स इथिन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, मतलब एक ही सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलेगी. क्लियर. प्रोपीन है, इसमें भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि CH2 है. इसमें भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि CH2 है. अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. नाउ सेकंड आइसोमर दैट इज ब्यूट टू आइन. अब ब्यूट टू आइन में क्या होगा, CH3 पहले फोर कार्बन, हियर ट्रिपल बॉन्ड, हियर CH3 CH3 एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज ब्यूट टू आइन. ओके. अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है. अब आपको पता है कि ब्यूट टू आइन है, उसमें से क्या मिलेगा, ब्यूट टू इन. एंड वी नो ब्यूट टू इन हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दैट इज सिस एंड ट्रांस. अब कौन सा आइसोमर मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट. ओके. इफ यू अप्लाई लिंडलर्स कैटलिस्ट, इट मीन्स सेम रिएक्शन पीडीसी, देन यू हैव ब्यूट टू इन बट सिस. क्लियर. तो यहां पे आपको जो मिलने वाला है ब्यूट टू इन, वो किस कैटेगरी का मिलेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, चलो सिस. और सिस का स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखते थे, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे दो वैलेंसी, कार्बन कितने फोर, तो यहां पे CH3, यहां भी CH3, H और H. दिस इज सिस ब्यूट टू इन. If you change the condition, that is sodium in liquid ammonia, then product is fixed but to in but trans. Okay. तो यहाँ पे जो आपको product मिलेगी that is trans form में, और trans form में ये interchange हो जाएगा. Clear? तो this is a preparation of alkene by which method, that is partial reduction. Keep it in mind. ओके. नाउ नेक्स्ट, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कौन से पॉइजन के सब्सटेंस ऐड करते हैं, सल्फर और क्विनोलिन, ये भी आपको याद रखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट नेबर दैट इज हैलोजन फैमिली. तो आप अल्किन बना रहे हो अल्काइल हैलाइड्स. ओके. नंबर टू, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इट मींस RX. और R क्या है वो पता है, आगे मैंने आपको बता दिया था, R दैट इज अल्काइल, और उसकी भी पूरी सीरीज है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल मिथाइल पेंटाइल लाइक दिस. तो इसमें भी हम सीक्वेंस में रिएक्शन करेंगे. ओके. सो फर्स्ट मेंबर ऑफ R दैट इज मिथाइल, सो द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज CH3X. सेकंड मेंबर इथाइल. अब फर्स्ट मेंबर से पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट मेंबर में कार्बन एक ही होगा, ये भी दिमाग में होना चाहिए. ओके. और हमारा अल्किन फैमिली स्टार्ट होता है इथिन से, तो कंपल्सरी आपको अल्काइल का सेकंड मेंबर लेना पड़ेगा, एंड दैट इज इथाइल. सो इथाइल मींस CH3 CH2 सपोज CL. ओके. नाउ हियर यू हैव टू ऐड QH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप दो बेस पे ले सकते हो, इन एक्वस और इन अल्कोहलिक, लेकिन यहां पे आपको कंपल्सरी KOH इन अल्कोहलिक फॉर्म में लेना है. इट मींस अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट. यदि आपने वाटर में सॉल्यूशन बनाया तो पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, नॉट ओनली मैकेनिज्म बट प्रोडक्ट ऑल्सो चेंज. और मैंने आगे बताया था, अभी भी बता रहा हूं, अभी हमें अल्किन बनाना है. ठीक है. सो इन दैट केस हैलोजन के साथ जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन.
ओके, और यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज बीटा कार्बन, और ये रिएक्शन में अल्फा से हैलोजन निकलता है पोटेशियम के साथ दैट इज माइनस KCl, ओके, और बीटा से हाइड्रोजन विद OH दैट इज माइनस H2O, एंड अल्टीमेटली वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन, और यू कैन से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन बोथ रिमूव इन द फॉर्म ऑफ KCl एंड वाटर, क्लियर? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सो कीप इट इन माइंड, एज अ नोट यहां पर लिख रहा हूं मैं CH3CH2Cl. If you apply KOH in which form? Aqueous form. Then substitution reaction takes place instead of elimination. It means यहाँ पे ये जो Cl है that is replaced by OH. Okay? So here removal of KCl and we have CH3CH2OH that is ethanol instead of ethene. So this two point is very important. If KOH aqueous, then substitution reaction takes place and product is in alcohol family. And if we apply KOH alcoholic, then alkene. So these two are very very important reaction in organic chemistry. Clear? तो clear होना चाहिए. Now we are interested in this reaction. Okay? लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए. Now second, after ethyl, propyl, and we know there are two propyl, N-propyl and isopropyl. So isopropyl means CH3CH/CH3Cl. That is isopropyl or 2-degree propyl. ये भी आप बोल सकते हो. अभी मैंने example iso का लिया है क्योंकि ये 1-degree already हो गया है. ये 1-degree फॉर्म में बोल सकती हो इथाइल को, ये 2-degree है. चलो ये अल्फा है और ये दो बीटा. ऑपरेटिंग कंडीशन दैट इज सेम, KOH अगेन अल्कोहलिक, सो माइनस KCl माइनस H2O, अल्फा से हैलोजन बीटा से हाइड्रोजन, दो बीटा है, दोनों का नेचर सेम है, तो कहीं से भी आप निकाल सकते हो जैसे मैंने यहां से निकाला. सो प्रोडक्ट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज propene, क्लियर? ओके, इथाइल प्रोपाइल में दो होते हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, तो मैंने एग्जांपल लिया आइसोप्रोपाइल का, दैट इज 2-degree. अब मैं आगे जा रहा हूं, ब्यूटेन में जा रहे हैं, तो वहां से आपको कुछ नया मिलेगा. एक्चुअली हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इनिशियल मेंबर के रिएक्शन होते हैं तो स्टेप फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन आप एक दो मेंबर नीचे जाओगे तो उसमें थोड़ा वेरिएशन आता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. और इसलिए ज्यादातर हम प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन है वो तो लिखेंगे, लेकिन पैरेलल एक दो रिएक्शन नीचे वाले भी लिखेंगे जिससे कुछ नया आपको मिलेगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, चलो अब आगे बढ़ के देखो, हम ब्यूटाइल में जाते हैं. अब ब्यूटाइल तो कितने हैं, 4, 1-2-1-3, तो अभी मैं 2 वाला ले रहा हूं, 2 मतलब 2-degree ब्यूटाइल, और 2-degree ब्यूटाइल डिराइव फ्रॉम एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन मतलब चारों कार्बन लीनियर, और यहां पे डैश कर दो दैट इज 2-degree ब्यूटाइल. So here suppose Cl, CH3, CH2, CH3 and CH. Now this is alpha carbon. Halogen के साथ जो carbon है that is alpha carbon. और उसके नजदीक में जो carbon है second जो है that is beta. तो यहाँ पे beta ये भी हुआ और beta ये भी हुआ. ठीक है? Now condition that is saying KOH alcoholic. अब यहाँ पे confusion होगा क्या? हेलोजन कहां से जाएगा वो तो फिक्स है, यहां से जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जाता है बीटा से. अब बीटा आपके पास दो है, यहां से भी जा सकता है यहां भी जा सकता है, तो यहां जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज नॉट प्योर, इट मींस दिस इज मिक्सचर ऑफ ब्यूट 1-ene एंड ब्यूट 2-ene. यहां से गया तो ब्यूट 2-ene और यहां से गया तो ब्यूट 1-ene, सो यू हैव टू राइट बोथ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूट 2-ene, यहां से जा रहा है हाइड्रोजन, क्या रखना, यहां से निकल रहा है CH3
सी एच यहाँ से निकल गया हेलोजन, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, वहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, दैट इज सी एच और यहाँ पे सी एच थ्री एंड दिस प्रोडक्ट इज ब्यूट टू ई. ओके नाउ अनदर प्रोडक्ट दैट इज ब्यूट वन ई और वो यहां से मिलेगा. तो एच यहां से गया तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री दैट इज ब्यूट वन ई. इट मीन्स इन वेसल वी हैव मिक्सचर मिक्सचर ऑफ ब्यूट टू ई एंड ब्यूट वन ई. After analysis, result like this, proportion of butene that is 80% and this one is only just 20%. So how will it happen? So here this reaction follow one rule and that is Sedzef. This rule is known as Sedzef rule. और वो रूल क्या है, उससे पहले मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूं. वहां पर मैंने आपको एक हिंट दी थी, इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन विच वन इज मोर स्टेबल. तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है. ठीक है, और उसमें मैंने एक ऑर्डर लिखाया था रिगार्डिंग अल्किन. ओके सी डबल बॉन्ड सी, जब यहां पे ये जो चारों वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय आर, आर दैट इज अल्काइल. जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा, पर्टिकुलर मिथाइल मैंने बताया था वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, तब मैंने बताया था वन मिथाइल गिव्स थ्री हाइपर कॉन्जुगेशन. हियर थ्री 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 थ्री, टोटल 12 हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. इसके बाद एक आर आप कम कर दो, मान लो कि यहाँ पे सी आर टू है सी आर एच. इसके बाद मैंने बताया था सी आर टू डबल बॉन्ड सी एच टू, देन सी आर एच डबल बॉन्ड सी एच टू, देन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू. ओके दिस अल्किन इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, highly substituted alkene, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे थे पहले, देखो यहाँ से देखो, तो ये दो एच को निकाल के दो आर आ गए, दो एच को निकाल के दो आर आ गए कि नहीं. इट मीन्स दिस कंपाउंड इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड alkene एंड विच इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड. ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर एंड दिस इज एक्चुअली सेडजेफ रूल. उसका जो कंक्लूजन है वो ये है, बस उन्हें टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि चलो ये ज्यादा इसका प्रपोर्शन ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल क्योंकि इसका रीजन है. और बाद में हमें ये प्रोडक्ट मिली तो रूल बना देते हैं कि हाँ ये मिले, मतलब जिसके पास एच कम थे, सही हुआ ना, वहां से एच निकला, ऐसा नॉर्मली हम बोलते हैं. लेकिन आप माइंड में सेट कर देना हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज मेजर प्रोडक्ट इन दैट केस. इन फ्यूचर ऐसा कोई भी मिक्सचर आपके सामने आए बेस्ड ऑन अल्किन तो किसको टारगेट में लेना है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्किन. तो ए हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्किन क्यों है, उसका रीजन सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे लिख दिया. ओके इसके पास दो एच है, दोनों के पास एच एच और दो आर है, देखो दिस इज आर. तो ब्यूटेन के पास दो आर है, क्लियर, मिथाइल मिथाइल. इसके पास क्या है वो देखो, इसके पास C डबल बॉन्ड्स अल्किन को एक फॉर्म में लिखने की हैबिट डाल दो, लाइफ है C डबल बॉन्ड की दो वैलेंसी को ओपन कर दो, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो एच है, एक एच इधर एक एच इधर आ गया, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक पूरा ग्रुप है दैट इज इथाइल, इथाइल मींस आर. तो अब मुझे बताओ इसके पास तो एक ही आर है और इसके पास दो आर है, डोंट कंसीडर साइज, ओके जस्ट कंसीडर अल्फा हाइड्रोजन इन केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन. ये हमने पढ़ लिया है बेसिक में. ठीक है, तो इस बेस पे क्लियर होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है. ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आगे भी आपको ये सब पढ़ना है ट्वेल्थ में, क्योंकि ट्वेल्थ में आपका चैप्टर कौन सा आएगा, हेलोजन फैमिली. तो हेलोजन फैमिली की प्रिपरेशन भी होगी और हेलोजन फैमिली के रिएक्शन भी होगी, तो रिएक्शन आएगा कि नहीं,
एंटायर फैमिली का रिएक्शन ही हुआ। अभी ये रिएक्शन अल्किन की प्रिपरेशन है। ट्वेल्थ में ये सेम रिएक्शन हेलोजन की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ इजी ऑफ रिएक्शन, तो अभी ये जो हमने पढ़ा उसमें हेलोजन जो है कौन सा हेलोजन इजीली निकलता है, ओके तो सबसे इजी निकलता है आयोडीन, इसके बाद ब्रोमीन और इसके बाद क्लोरीन। एक क्लियर होना चाहिए, मतलब वहां पर रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा। सेकंड, मतलब ये आरएच लिखा है कि नहीं, मतलब दिस रिएक्शन इसकी जो स्पीड है, रेट है, दैट डिपेंड्स ऑन हेलोजन एज वेल एज आर। हेलोजन एज वेल एज आर, आई की साइज ज्यादा होगी कि नहीं, जितनी साइज ज्यादा होगी इतनी बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड इतना वीक हो जाएगा, तो हेलोजन निकालना इजी है। तो कोई भी रिएक्शन की स्पीड है वो किस पे डिपेंड है, वो नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हेलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। फ्लोरीन वाला रिएक्शन भी होता नहीं, वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, बाद में आर, आर भी बहुत है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये रिएक्शन इजी किसके साथ होता है, 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद 1 डिग्री, ये भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब हेलोजन के अंदर मैंने एक वर्ड आपको बताया था विसिनल और जेमिनल, हाँ तो वो भी साथ में ले लेते हैं। ए विसिनल क्या है और ए जेमिनल क्या है, ओके वो भी हेलोजन का एक पार्ट है लेकिन उसको हम अलग से ले रहे हैं। नाउ दिस इज नंबर 3 फ्रॉम विसिनल, विसिनल डायहैलाइड, यस विसिनल भी है, जेमिनल भी है, टर्मिनल भी है, देखेंगे बाद में हेलोजन फैमिली में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल CH2, अब यहां दोनों जगह पे सपोज CL है, चलो इस बार BR लेते हैं, उसको भी बुरा ना लगे, हाँ तो विसिनल का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों हेलोजन कंसेक्यूटिव कार्बन के पास होता है। ठीक है, और दोनों BR को हटाना है तो हमें ऐसी मेटल यूज करनी पड़ेगी जिसकी वैलेंसी 2 हो, सो मेटल दैट इज वेल नोन मेटल दैट इज जिंक, उसको थोड़ा हिट कर दो, तो Zn प्लस 2 है, Br माइनस 1 है, Br माइनस 1 है, तो एक ही Zn दोनों Br को लेके निकल जाएगा, इस फॉर्म में Zn Br 2 एंड वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, आप इसमें जेमिनल भी ले सकते हो, फ्रॉम जेमिनल, जेमिनल डायहैलाइड, और जेमिनल में जो कार्बन होता है, हेलोजन होता है, वो दोनों एक ही कार्बन के ऊपर होता है, लाइक दिस, ओके तो यहां भी आप सेम रिएक्शन अप्लाई कर सकते हो, Zn डेल्टा माइनस Zn Cl2 एंड वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये मेन क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो नेबर में आगे कौन आएगा, अल्कोहल, तो अल्कोहल में से भी हम अल्किन बना सकते हैं, सिंपल रिएक्शन है, दैट इज डीहाइड्रेशन, अल्कोहल नंबर 5 दैट इज ROH, ओके इसमें भी सेम फर्स्ट नंबर से हम नहीं लिख सकते, फर्स्ट नंबर दैट इज मिथेनॉल एंड मिथेनॉल कंटेन ओनली 1 कार्बन और इथिन में तो 2 कार्बन होते हैं, तो मिनिमम आपको अल्कोहल 2 कार्बन पे लेना पड़ेगा एंड दैट इज इथाइल CH3 CH2 OH, सेम कॉन्सेप्ट इन हेलोजन अल्फा एंड बीटा, ओके यहां पे आपको डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर, और आगे मैंने बताया था एक पॉइंट, मैंने शायद आपको बताया है इन क्लास में ही, कुछ पॉइंट्स मेरे याद रख लेना, H2SO4 has strong attraction towards water, ऐसा मैंने आपको बताया था, dehydrating agent, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड पानी को देख के पागल हो जाता है। क्लियर, तो यहां पे एज अ एजेंट आपको एसिड लेना है, मोस्ट प्रिफर दैट इज H2SO4, फॉस्फोरिक भी आप ले सकते हो, ओके सो व्हाट हैपन, अल्फा से अपने आप को निकल जाएगा OH और बीटा से हाइड्रोजन दैट इज -H2
and we have CH2 double bond CH2, that is ethene. तो ये भी एक रिएक्शन है. इथाइल के बाद आप प्रोपाइल में जा सकते हो, प्रोपाइल के बाद ब्यूटाइल में भी जा सकते हो. ब्यूटाइल में आप जाओगे तो वो कॉन्सेप्ट आएगा, बीट वन इन और बीट टू इन का आएगा, वहां पे भी रोल आएगा. कौन सा? सेक्सर रोल आएगा, वो भी आप देख सकते हो. तो मैंने आपको बता दिया. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2O. इज इट क्लियर? ओके. इसके बाद टेक्स्ट बुक में यहां तक है कॉलबैक. कॉल्बे इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. अब हमने रिएक्शन अल्केन में भी पढ़ा था, याद है कि नहीं? अब अल्केन में हमने जो पढ़ा था उसमें मैंने अभी रिवीजन सेशन में आपको बता दिया था, उसमें हमने लिया था CH3COONa और इसके 2 मोल्स हमने लिए थे वाटर में. ओके, और जैसे आपने वाटर में लिए थे तो 2 मोल CH3COO- + 2Na+ ऐसा आयनाइजेशन हुआ था, साथ में वाटर भी था और फिर ये सेल बना था. यहाँ पे था एनोड, यहाँ पे था कैथोड. एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, बैटरी के साथ उसका कनेक्शन होता है. तो सॉल्यूशन में से नेगेटिव कहाँ जाता है? एनोड में जाता है. और उसमें से हमें यहाँ से 2 प्रोडक्ट मैंने बताया था. ओके, ये जो 2 मोल CA3COO- है अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड वी हैव 2 मोल CO2+ CA3CH3, दैट इज इथेन. क्योंकि ये 2 कार्बन मिथाइल ग्रुप ऐसे कंबाइन हुए हैं, दैट इज इथेन. और ये 2 प्रोडक्ट कहां मिली थी आपको? एनोड में मिली थी. कैथोड पे कंपटीशन हुई थी बिटवीन Na+ एंड वाटर, और वहां मैंने बताया था रिडक्शन वाटर का इजी हो जाता है. रिडक्शन होता है तो 2H2O+, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखना रह गया, गेन 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू H2+ 2OH-. सो कैथोड पे कौन सा गैस मिला था? हाइड्रोजन. और बाद में सॉल्यूशन में 2Na+ एंड 2OH- गिव्स 2NaOH. सो हियर देयर आर 4 प्रोडक्ट, 2 एट एनोड, 1 at cathode and the last one, that is in solution. और finally हमने पूरा reaction कैसे लिखा था वो आपको पता है, ऐसा हमने लिखा था final reaction. Okay, 2 mole CH3COONa plus H2O और यहाँ पे हुआ था electrolysis. Yes, electrolysis final reaction. Okay, so main product, that is ethane, CH3CH3. ऐसे याद रखो CH3CH3 इजी हो जाएगा, दो कंबाइन हो गए. अनदर प्रोडक्ट दैट इज CO2. हाउ मेनी CO2? 2 प्लस 2CO2 प्लस अब कौन आया? Na, 2Na और यहां से H2 OH, 2NaOH. बाद में कौन आया? H2O और वहां से मिलेगा आपको हाइड्रोजन. फिनिश. ऐसे निकला. ए जो हमने पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था? अल्किन के लिए पढ़ा था. अब आपको अल्किन बनाना है कॉल्बे से, तो उसकी डायरेक्ट कॉपी मारनी है. कैसे कॉपी हो जाएगा? इंटरेस्टिंग है, ठीक है? सेम सॉल्ट लेना है लेकिन डिफरेंट वे में. CH2COONa सॉल्ट लेना है. यस, डाइसॉल्ट. ओके, सेम रिएक्शन प्लस H2. अब बताओ सबसे पहले बॉन्ड कैसे होगा वो देख लो. ए पूरा पार्ट सेपरेट हो जाता है. यस, विथ डबल बॉन्ड. प्रोडक्ट कौन से मिली? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथेन. बाद में यस, दिस इज 2CO2. क्लियर? देन यस, 2NaOH and last one H2C. This is for alkene. Clear? और ऐसा हम लिखेंगे alkyne में भी लिखेंगे जब पढ़ेंगे तब. तो alkyne में क्या लिखेंगे बताओ? CH COONa, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, अभी से बता रहा हूं, बाय चांस वहां में भूल गया तो याद रखना. हाँ, सेम रिएक्शन प्लस H2O. चलो, हो गया.
CH, triple bond CH, that is ethane. Then, yes, 2CO2 plus 2NaOH plus H2, yes. So, you have to remember these three in one sequence, clear hona chahiye, and that is Conway. This is Conway, okay, and this is electrolysis method, electrolysis. So, by this way, we prepared alkene. लेकिन तीनों आपको बताना चाहिए, ए इथेन है, ए इथीन है और ए इथाइन है। बाय प्रोडक्ट देखो सही से डिफरेंस क्या लेना है, देख लीजिए यहाँ पे इसके टू मोल्स लेने हैं, ये दोनों वन वन मोल लेना है और ये इलेक्ट्रोलिसिस करना है, हो जाएगा। सो दिस एक्शन इज ओवर, दिस इज अ प्रिपरेशन, क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट बुक में एक ही पैराग्राफ है, वो आप खुद पढ़ लेना, आगे मैंने जो पढ़ाया था वही बेस पे है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, क्लियर। थैंक यू वेरी वेरी मच।